हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वाकई में आपको चौंका देगी। दोस्तों, राम मंदिर में तीन मुस्लिम भाइयों ने पढ़ दी नमाज। जी हां, पुजारी ने बहुत बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद हड़कंप मच गया है। दोस्तों, कह दिया है कि बाहर रखे मटके के पानी से हाथ पैर धोए, फिर जबरन राम मंदिर में अंदर घुसकर नमाज पढ़ दी है। जी हां, साथ ही साथ बताएंगे, जैसा कि आपको मालूम है, भारत ने अपनी चौथी परमाणु पनडुब्बी समंदर में उतार दी है, जिसके बाद इसे देख पाकिस्तानी नेवी कोमोडोर की गुहार कह दिया समंदर तो छोड़ दे इंडिया। जी हाँ दोस्तों, और भारतीय नौसेना की जमकर की है इस पाकिस्तानी नेवी कोमोडोर ने तारीफ, तो वहीं बताएंगे सीमा पार घुसपैठ को लेकर अमित शाह जी का बहुत बड़ा बयान, तो वहीं छठ पूजा और दिवाली पर जनरल टिकट कटाकर जाने वाले यात्रियों के लिए बहुत बड़ी नोटिस जारी की गई है। दोस्तों, रेलवे मंत्रालय की ओर से सारी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं, बस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं, देश को आंख दिखाने वाला और समुदायों को कष्ट देने वाले को चैन नहीं आने वाला, और भारत करारा जवाब देकर ही रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां राम मंदिर में तीन मुस्लिम भाइयों ने पढ़ दी नमाज, पुजारी ने दी पूरी जानकारी। बता दे, मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में तीन मुस्लिम भाई जबरन मंदिर के अंदर घुस गए और वहां जाकर नमाज पढ़ दी। इस घटना होने के बाद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस के महकमे में हड़कंप मच गया। दोस्तों, तुरंत के तुरंत पुलिस वहां पहुंची और तीनों को गिरफ्तार करके मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि आरोपियों को मुचलके पर तुरंत ही जमानत भी दे दी गई है। दोस्तों, यह घटना शाहजहांपुर जिले के सलसलाई थाना क्षेत्र की है। यहां अंतर्गत किलोदा गांव के राम मंदिर में तीन मुस्लिम भाइयों ने नमाज पढ़ी है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि तीनों आरोपियों ने मंदिर के बाहर रखे मटके के पानी से हाथ पैर धोए और फिर मंदिर में जबरन घुसने लगे। रोकने के बावजूद भी वो लोग जबरदस्ती मंदिर के अंदर घुसे। मंदिर के अंदर तीनों ने नमाज पढ़ी, इसके बाद पुजारी ने सलसलाई थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हिंदू समुदाय के लोगों को आहत करने का ये मुद्दा है। ये बहुत बड़ी कोशिश है एक समुदाय के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का। ऐसे में दोस्तों, क्या इन तीनों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए या नहीं, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग देखते हैं भारत की जनता की क्या है इस पर राय। साथ ही साथ बता दें, भारत की परमाणु पनडुब्बी देख पाकिस्तानी नेवी कोमोडोर की गुहार, कहा समंदर को तो छोड़ दे भारत, और भारतीय नौसेना की भी कर दी ताकत की सरेआम सराहना। बता दें, भारत ने पिछले सप्ताह चुपचाप अपनी चौथी परमाणु चालित बैलिस्टिक मिसाइल बोले तो SSBN पनडुब्बी समुद्र में लॉन्च की थी। इसको भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। 16 अक्टूबर को लॉन्च की गई SSBN का कोड नाम S4 है। ये परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में सक्षम है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। भारत की इस नई ताकत पर पाकिस्तान नेवी के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड कोमोडोर ने प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी नेवी की योजना का भी खुलासा कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व कोमोडोर साजिद शहजाद ने भारत की परमाणु चलित पनडुब्बी की ताकत को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही कहा है कि पाकिस्तान नेवी की ऐसी कोई योजना नहीं है। पाकिस्तानी पूर्व सेना अधिकारी ने सुनो डिजिटल यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए ये बात कही। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर सबमरीन के सवाल पर शहजाद ने कहा कि पाकिस्तान की अपनी परमाणु चालित पनडुब्बी बनाने की योजना नहीं है। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तानी नेवी का यह कोमोडोर भारत की ताकत को देखकर, खास करके नेवी की ताकत को देखकर लोहा मानती दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां अमित शाह जी ने कहा सीमा पार घुसपैठ रुकने पर ही बंगाल में शांति आ सकती है। जी हां, अमित शाह जी का यह अब तक का घुसपैठ को लेकर सबसे बड़ा बयान। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि बांग्लादेश से सीमा पार घुसपैठ बंद होने पर ही पश्चिम बंगाल में शांति स्थापित हो सकती है। अमित शाह ने दावा किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2026 में पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई तो पड़ोसी देश से अवैध आवर्जन रोका जाएगा। अमित शाह ने भारत बांग्लादेश सीमा पर पेट्रोपोल भूपत्तन पर नए यात्री टर्मिनल और एक मैत्री द्वार का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में यह बात कही। अमित शाह जी ने कहा कि क्षेत्र में शांति स्थापित करने में भूपत्तन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब सीमा पार लोगों की वैध आवाजाही की कोई गुंजाइश नहीं होती है तो आवाजाही के अवैध तरीके सामने आते हैं, जिसका असर देश की शांति पर पड़ता है। मैं बंगाल के लोगों से आग्रह करता हूं कि 2026 में परिवर्तन लाए और हम घुसपैठ रोकेंगे तथा शांति स्थापित करेंगे। अमित शाह जी ने कहा कि घुसपैठ रुकने पर ही बंगाल में शांति आ सकती है। दोनों देशों के बीच संबंध तथा संपर्क सुधारने में भूमि बंदर का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध भी बढ़ाते हैं। साथ ही साथ बता दें, तो वहीं मुंबई में 26/11 हमले पर जयशंकर जी का बड़ा कटाक्ष, कहा शहर पर हमला हुआ और कोई रेस्पॉन्स नहीं लिया, अब ऐसा नहीं होगा। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने मुंबई में रविवार को आतंकवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत और दुनिया के लिए मुंबई काउंटर टेररिज्म का प्रतीक है। जब हम UNSC के सदस्य थे तब आतंकवाद रोधी समिति के अध्यक्ष बनाए गए। हमने पहली बार सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित की थी। ये मीटिंग मुंबई के उसी होटल में हुई जहां पर आतंकी हमला हुआ था। ऐसे में जब दुनिया देखती है कि आतंकवाद की इस चुनौती के सामने कौन खड़ा है,
तो लोग कहते हैं कि भारत जी हां आज हम आतंकवाद से लड़ने में सबसे आगे हैं। जयशंकर जी ने कहा कि हमें एकदम स्पष्ट रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी ने कुछ किया तो प्रक्रिया होगी। मुंबई में जो हुआ वो दोहराया नहीं जाना चाहिए। शहर पर हमला किया गया और कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, ये हमारे लिए और दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। हमें आतंकवाद को बेनकाब करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिन में व्यापार करें और रात में आतंकी भेजें, फिर इसे दिखाया जाए कि सब कुछ ठीक है। ये भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। 10 साल में यही बदलाव आया है। साथ ही साथ बता दें, श्रीलंकाई नौसेना ने 12 भारतीय मछुआरों को फिर किया गिरफ्तार। जी हां, श्रीलंका की नौसेना ने समुद्र में अवैध तौर पर मछली पकड़ने के आरोप में भारत के 12 मछुआरों को गिरफ्तार किया है और उनकी नौका को भी जब्त कर लिया है। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा 12 और लोगों को गिरफ्तार किए जाने से द्वीपीय देश में इस साल ऐसी घटनाओं में पकड़े गए भारतीय नागरिकों की संख्या बढ़कर 462 हो गई है। श्रीलंका नौसेना ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया गया और उत्तरी प्रांत जाफना के पॉइंट पेड्रो तट से उनकी नौका भी जब्त कर ली गई। इसमें बताया गया कि पकड़े गए 12 मछुआरों को कान के संथुराई बंदरगाह ले जाया गया और आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें मैलाडी मत्स्य निरीक्षक को सौंप दिया जाएगा। साथ ही साथ बता दे, प्लेन को फिर से बम से उड़ाने की धमकी, 3 विमानों को उड़ाने की अब दी गई है चेतावनी। बेंगलुरु अयोध्या फ्लाइट में 173 यात्री सवार। जी हां, फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला थमता दिखाई नहीं दे रहा। रविवार को एक्स पर पोस्ट कर 3 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। रविवार को पुणे से जोधपुर जा रहे इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी के बाद विमानन कंपनी और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। रविवार को इंडिगो के साथ साथ अकासा की बेंगलुरु से अयोध्या तक की फ्लाइट को ऐसी ही धमकी दी गई, जबकि इंडिगो की कोलकाता से पुणे जा रही एक फ्लाइट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पहली फ्लाइट जिसमें बम की धमकी मिली वो बेंगलुरु से गोरखपुर आ रही है। इसके चलते एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बम स्क्वाड टीम और सीनियर अफसर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ बता दें, कनाडा के पुलिस प्रमुख का सबसे बड़ा दावा, कहा हमारे पास निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने के ठोस सबूत है। जी हां, कनाडा का आरोप है कि खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है, जबकि भारत इससे साफ इनकार करता आया है। इस मामले पर कनाडा और भारत की तरफ से लगातार तल्ख बयान सामने आए हैं और इसका असर दोनों के रिश्तों पर पड़ा है। कनाडा के सरकारी न्यूज चैनल CBC को दिए एक इंटरव्यू में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के प्रमुख माइक डूहेम ने कहा कि हमारे पास खुफिया जानकारी नहीं बल्कि पुख्ता सबूत है कि इस मामले में भारत की भूमिका उच्च स्तर का है। इससे पहले भारत में कनाडा के उच्चायुक्त रहे कैमरन मैके ने निज्जर और पन्नू मामले में भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि भारत ने इन आरोपों से इनकार किया है। भारत का कहना है कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित है और इससे जुड़ा कोई कानूनी सबूत साझा नहीं किया गया है। जी हां, साथ ही साथ आपको बता दें, भारत को महाशक्तिशाली बॉम्बर TU-160M देने को तैयार है। रशिया एक बार में 12,000 किलोमीटर दूरी ताकत कर देगी हैरान। जी हां, रशिया ने एक बार फिर से दोस्त भारत को अपना भारी बमवर्षक विमान TU-22M3 और TU-160 वाइट स्वान देने की पेशकश की है। डिफेंस मीडिया आउटलेट IDRW ने अपनी रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी है। सोवियत काल में डिजाइन किए गए TU-22M3 को 2 दशक पहले भारतीय नौसेना को ऑफर किया गया था, लेकिन महंगी कीमत और आधुनिकीकरण पर आने वाले खर्च के चलते डील फाइनल नहीं हो पाई थी। रशिया अब TU-160M के साथ भारत को ऐसा विमान उपलब्ध कराना चाहता है जो उसकी मारक क्षमताओं को बढ़ा सके। साथ ही साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शानदार मेहमान नवाजी के लिए पुतिन का जताया आभार। ब्रिक्स समिट को बताया बहुत फायदेमंद। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया के कजान में हुई 16वीं ब्रिक्स समिट को बहुत फायदेमंद बताया और कहा कि उन्हें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और कई विश्व नेताओं से मिलने का अवसर मिला। PM मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, साथ ही रूस के लोगों और उनकी सरकार का स्वागत एवं मेहमानवाजी के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी रशिया यात्रा की कुछ झलकियां भी साझा की। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिखा कि कजान में ब्रिक्स समिट बहुत उत्पादक रही, मुझे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और कई विश्व नेताओं से मिलने का अवसर मिला। मैं राष्ट्रपति पुतिन, रूसी लोगों और सरकार का मेहमानवाजी के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ। वाकई में दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति ने जो प्रधानमंत्री मोदी जी की इज्जत की है, जो उनका आदर किया है दोस्तों, जो उनकी वैल्यू बढ़ाई है, वाकई में वो काबिले तारीफ है। इस पर दोस्तों आपकी राय तो बनती है और आप लोग भी थैंक यू व्लादिमीर पुतिन जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बता दें, शेख हसीना पर चलेगा क्या हत्या का केस? जांच रिपोर्ट जल्द सौंपने का आदेश कोर्ट ने तय की डेडलाइन। दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अदालत ने पुलिस को हसीना और 23 अन्य के खिलाफ दर्ज हत्या के मामले की जांच रिपोर्ट 28 नवंबर तक सौंपने का आदेश दिया। मीडिया रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। हत्या का ये मामला ढाका के मीरपुर में 18 वर्षीय कॉलेज छात्र की मौत को लेकर दर्ज किया गया है। छात्र की मौत छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों पर हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार की ओर से की गई कार्रवाई के दौरान हुई थी। इन प्रदर्शनों के कारण हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। 77 वर्षीय शेख हसीना सरकारी नौकरियों में विवादास्पद आरक्षण प्रणाली के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण 5 अगस्त को देश छोड़कर भारत चली गई थी। डेली स्टार समाचार पत्र की खबर के अनुसार ढाका के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मोहम्मद जियादुर रहमान ने 28 नवंबर तक जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मृतक के भाई ने 15 अगस्त को यह मामला दर्ज कराया था। आपको बता दें, शेख हसीना के खिलाफ
खिलाफ कथित तौर पर 225 मामले दर्ज हैं। तो वहीं आपको बता दें पीआईए की एयरक्राफ्ट संख्या घटी केवल 16 विमान ही उड़ने के लिए हैं तैयार। जी हां, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस के बेड़े में 33 विमान थे लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण अब केवल 16 विमान ही है जो फंक्शनल है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए उपलब्ध है। सूत्रों के अनुसार पीआईए यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की संचालन स्थिति, प्रबंधन की लापरवाही और विशेष रूप से इंजीनियरिंग विभाग की अनदेखी के कारण बिगड़ गई है। 33 विमानों में से केवल 16 उड़ान के लिए ही तैयार है जबकि करीब 17 विमान विभिन्न कारणों से ग्राउंडेड हैं, जैसे स्पेयर पार्ट्स की कमी और इंजन चेक। इसमें पीआईए के पास मौजूद 9 लंबी दूरी के बोइंग 777 विमानों में कई ऐसे विमान शामिल है। साथ ही साथ बता दें ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इजराइल से बदला लेने की दी धमकी, कहा ईरानी लोगों की ताकत दिखानी ही होगी। जी हां, ईरान के सुप्रीम लीडर नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने इजराइल को धमकी दी है और कहा है कि इजराइल ने ईरान पर हमला करके गलती कर दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा कि इजराइल को ईरानी लोगों की ताकत, दृढ़ संकल्प की ताकत समझानी होगी। खामेनेई ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि यहूदी शासन ने 2 रात पहले गलत कदम उठाया है, हमें दृढ़ संकल्प, ईरानी लोगों की पहल और ताकत दिखानी ही होगी। गौरतलब है कि इजराइल हाल ही में ईरान पर हवाई हमले किए, इन हमलों की पुष्टि इजराइल और ईरान दोनों ने की थी। साथ ही साथ बता दें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती है लोक गायिका शारदा सिन्हा, उनकी हालत है नाजुक, वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया उनको। जी हां, सूत्रों के हवालों से यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। लोक गायिका शारदा सिन्हा बीमार है और दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बोले तो एम्स अस्पताल में भर्ती है। सूत्रों के अनुसार उनकी हालत इतनी नाजुक हो गई है कि उन्हें आईसीयू से वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। शनिवार को रात में केंद्रीय बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स से पहुंचकर उनका हालचाल जाना। पद्म भूषण से सम्मानित लोक गायिका शारदा सिन्हा की पिछले दिनों तबियत बिगड़ गई थी, इसके बाद उनको दिल्ली के एम्स में एडमिट कराया गया था और आज सुबह शारदा सिन्हा की तबियत काफी ज्यादा खराब हो गई जिसके बाद उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग इनके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करेंगे। गेट वेल सून कहना मत भूलेगा दोस्तों शारदा सिन्हा जी को लेकर, और कभी ना कभी किसी भी क्षण आपने इनके लोक गीत या फिर कोई ना कोई फिल्मी गाने जरूर सुने होंगे। इसी के साथ यदि सारी बड़ी खबर, आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली खबर में, यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में। जय हिंद, जय भारत।